हे गाइस, यहाँ पे है आज मेरे पास रियलमी 9 आईफोन। इस फोन का दोस्तों आज गेमिंग रिव्यू करने वाले हैं, BGIM गेम प्ले करेंगे और दोस्तों कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे इस फोन में क्या एक्सपीरियंस रहता है, बैटरी कितना ड्रेन होता है और क्या क्या ग्राफिक मिल जाता है BGIM में, सारा चीज़ दोस्तों बताने वाला है। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं टेक्नो मास्टर जी। चलिए बिना टाइम गए फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन में 100% चार्ज है और अभी 1 आवर के लिए गेम प्ले करेंगे। पहले 15 मिनट TDM, फिर से 15 मिनट TDM, उसके बाद मेन मैच जो है 30 मिनट के लिए खेलेंगे। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं BGM ये है। ओके, इसे ऑन कर लेते हैं और जब तक दोस्तों ये ऑन होता है, यहाँ पर बता दूँ कि फ़ोन में 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर है और ये जो मेरे पास वेरियंट है 4GB RAM 64GB वाला बेस वेरियंट है। ओके, इस फ़ोन की ग्राफिक की बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, यहाँ पे स्मूथ का मीडियम मिलता है, तो लो मीडियम हाई का सेटिंग मिल जाता है। बैलेंस में यहाँ पे आप देख सकते हैं लो है, मीडियम है और HD वगैरह दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे स्मूथ का हाई करके कलरफुल कर दिया हूँ। और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे 15 मिनट के लिए TDM गेम प्ले करते हैं और बाकी आप लोग के साथ शेयर करते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो यहाँ पे गेम अभी ऑन हो रहा है, हीट चेक कर लेते हैं। रूम टेम्परेचर जो है अभी 22 है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फ़ोन की हीट की बात करें तो फ्रंट से यहाँ पे 29-28 देखने को मिल जाता है और बैक साइड की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 है। और गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड बार है जिसमें दोस्तों यहाँ पे आपको सारा सेटिंग देखने को मिल जाता है। ब्राइटनेस अप डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे FPS वगैरह सारा चीज़ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी 29 FPS पे मेरा ये जो गेम है चल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको इसमें सेटिंग भी मिल जाता है। तो गाइस, यहाँ पे गेम खेलते हुए 15 मिनट पूरा हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉपवॉच में। ओके, तो 15 मिनट में बैटरी कितना ड्रेन हुआ है, हीट क्या हुआ है फ़ोन, ये बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हीट चेक कर लेते हैं। रूम टेम्परेचर आप देख सकते हैं 23 है और फ़ोन की हीट की बात करें तो फ्रंट से यहाँ पे 34 देखने को मिल जाता है और बैक साइड की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक साइड में भी सेम है 34। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये हीट हो रहा है, सर्दी का मौसम है, ज़्यादा हीट नहीं हो रहा है, फ़ोन 34 है। ओके, तो यहाँ पे बैटरी की बात करें तो फ्रेंड्स पहले मेरे फ़ोन में 100% चार्ज था और अभी की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 97% चार्ज है। बाकी गेम एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेंड्स इस फ़ोन में अच्छी तरीके से गेम प्ले हो जा रहा है लो सेटिंग में, जैसे आपने देखा किल वगैरह भी काफ़ी सही से हो गया है। बाकी दोस्तों अभी तक लैग नहीं किया है। अब दोस्तों यहाँ पे 15 मिनट के लिए फिर से TDM गेम प्ले करेंगे और इस बार का जो ग्राफिक रहेगा ना दोस्तों, बैलेंस का मीडियम रहेगा। ओके, स्मूथ का पहले प्ले किए, अब दोस्तों यहाँ पर बैलेंस का मीडियम में गेम प्ले देखिए। तो गाइस अभी जो गेम प्ले हो रहा है वो 24 FPS में चल रहा है। ओके, और यहाँ पे अभी तक लैग देखने को नहीं मिला है। तो गाइस यहाँ पे गेम प्ले करते हुए 30 मिनट पूरा हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे स्टॉपवॉच में देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बैटरी चेक करेंगे, 97 था, अभी देखिए 94% है, मतलब 6% बैटरी ड्रेन हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बैटरी काफ़ी अच्छी तरीके से सर्विस दे रहा है। और हीट की बात करें तो रूम टेम्परेचर आप देख सकते हैं 24 है और फ़ोन की हीट की बात करें तो फ्रंट से यहाँ पे 34 देखने को मिल जाता है और बैक साइड में भी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम ही है। ओके, और गेमिंग एक्सपीरियंस दोस्तों काफ़ी सही रहा, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है। और यहाँ पे इस फ़ोन में आप हाई ग्राफिक नहीं खेल सकते लेकिन दोस्तों लो ग्राफिक में काफ़ी अच्छी तरीके से गेम प्ले हो जाता है। अभी जो दोस्तों गेम प्ले करेंगे, एशिया का एंगल मैप गेम प्ले करेंगे और ये दोस्तों मेन मैच गेम प्ले करते हैं 30 मिनट के लिए और क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्या रहता है, सारा चीज़ दोस्तों बताते हैं आपको वीडियो के एंड में।
तो गाइस गेम काफ़ी अच्छी तरीके से प्ले हो रहा है इस फ़ोन में। थोड़ा दोस्तों लैग करता है, जब ज़्यादा बंदा आ जाता है तब थोड़ा दोस्तों लैग देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों गेम एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा लो ग्राफिक में। इस फ़ोन में हाई ग्राफिक नहीं चलता है। आप अगर लो ग्राफिक में थोड़ा बहुत गेम प्ले करते हैं तो ये फ़ोन ले सकते हैं। ओके, आप अगर हाई ग्राफिक के लिए कोई फ़ोन लेना चाहते हैं तो दूसरा फ़ोन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे FPS जो है वो 24-25 के बीच देखने को मिला है पूरे मैच में। पहला जो TDM गेम प्ले किए थे उसमें 29 दिख रहा था। ओके, तो गाइस आपको अगर ये फ़ोन ख़रीदना हो तो बाय लिंक चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम का, तो आप अगर चाहे तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और ये आपको अगर गेमिंग रिव्यू अच्छा लग रहा है मेरा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी वीडियो पाने के लिए। बाकी दोस्तों बैटरी की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 89% चार्ज है, 59 मिनट हो चुका है, 27 सेकेंड और 30 सेकेंड का दर बाकी है। तो यहाँ पे हीट की बात करें तो फ्रेंड्स रूम टेम्परेचर आप देख सकते हैं 24 है। और फ़ोन की हीट की बात करें तो यहाँ पे 34 देखने को मिल जाता है। और बैक साइड में भी दोस्तों यहाँ पे 35 देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों 11% बैटरी ड्रेन होता है आप अगर इस फ़ोन में गेम प्ले करते हैं 1 आवर के लिए। तो दोस्तों बैटरी एक्सपीरियंस भी काफ़ी सही है और फास्ट चार्जर है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए हमेशा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।